असलम व्यूवर्स मैं हूं अली अब्बास वॉइस ऑफ पाकिस्तानी चैनल से अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें तो आज हम मौजूद हैं नाइन्टी एच गुलबर्ग थ्री में और जो आर्ट लवर्स हैं जो फ़न खताती से ताल्लुक़ रखते हैं और मसवरी से उनके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है जो आमना बट है उन्होंने यहाँ पे मसवरा आमना बटे अपनी यहाँ पर आर्ट रूम के नाम से कि आप देख रहे हैं हमारे कैमरा मैन दिखा रहे हैं गैलरी यहाँ पे उन्होंने इसके इफ्तरा इस तो काफ़ी अरसे का हो चुका हुआ है और यहाँ पे उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर न्यूज़ है कि जो फ़न मशवरी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने उनके पास कोई टैलेंट है और वो अपना यहाँ पर आके अपना टैलेंट वो शो कर सकते हैं जस्ट अपना ब्रश उठाएं यहाँ पर आएँ और कैनवस पे अपना आप जो भी आपके पास आर्ट है वो आप यहाँ पे मुंतकिल करें और इनका जो सबसे बड़ी इनकी जो फेवर है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको कोई प्लेटफॉर्म में सच ऐसा नहीं मिलता कि जहाँ पे आप अपनी जो अपने शाहकार हैं अपनी जो आपकी पेंटिंग्स वगैरह हैं वो आप उसको डिस्प्ले में लगा सकें तो ये इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे इन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो नए लोग हैं उनके लिए कि यहाँ पे आके वो अपनी जो सिलाईते हैं वो उसको बुरे कर ला सकते हैं और उसके बाद एग्जीबिशन में अपनी जो पेंटिंग्स हैं वो लगा सकते हैं तो मज़ीद हम इनसे जानेंगे हमारे साथ रहिए और वीडियो में आपने एंड तक हमारे साथ रहना है क्योंकि हम उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएँगे और आपको सारे विज़िट करवाएँगे जो शाहकार हैं यहाँ के मज़ीद हमारे साथ रहिएगा जी तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जो मसवरा आमना बट दी आर्ट गैलरी में मजीदिन से जानेंगे जी कैसी हैं आप ठीक. अच्छा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए माशाल्लाह कि बड़ी ही ज़बरदस्त कलेक्शन और सेलेक्टिव कलेक्शन है तो मज़ीद बाकी ओवर टू यू कि आप बताएंगी कि ये क्या शाहकार हैं आपके और क्या टाइम लगता है और क्या सूरत हाल है जी मेरा ये आ, पैशन भी है काम भी है मेरा यहाँ पे ज़ाती अकेले का काम नहीं है और भी आर्टिस्ट का काम हमने यहाँ लगाया हुआ है बट मोस्टली इट्स माइंड बिकॉज ऑब्वियसली स्टूडियो एंड गैलरी मेरी है मैं एबस्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म पे काम करती हूँ और इसके अलावा मैं पहले शुरू इवॉल्व हो गई हूँ आई थिंक मैं पहले शुरू शुरू काफ़ी देर फिगर Uh, करती रही आई बीन पेंटिंग फ्रॉम लास्ट फिफ्टीन ईयर्स बट फिर आहिस्ता आई थिंक हर बंदा इवॉल्व होता है विद लाइफ तो uh, मुझे था कि किसी तरीके से अपने रिलीजन के ऊपर अगर मैंने काम करना है तो इससे अच्छा क्या मीडियम होगा कि मैं पेंटर यू नो एज़ ए पेंटर में एक्सप्रेस कर सकूँ अपनी थॉट्स इबादत के अलावा सो right. so, uh, मैंने थोड़ा सा इवॉल्व किया एंड स्लोली स्लोली मैंने मॉडर्न केलीग्रफ़ी शुरू की खताती शुरू की mm -hmm. वह मैं आपको भी दिखाती हूँ जैसे ये है एग्जिबिशन uh, के लिए हम ये तैयार कर रहे हैं mm -hmm. uh, ये प्योरली टेक्सचर्स हैं डिफरेंट मीडियम्स हैं मिक्स मीडिया यूज़ किया गया है और uh, इस तरह से काम भी करते हैं फिर आप uh, देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के काम लगे हुए हैं जी बिल्कुल बट ज़्यादातर तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ जो सामने वाली वॉल है वो मेरी बड़ी फेवरेट है क्योंकि उस पर एक बड़ी मॉडर्न कैलीग्राफी हुई हुई है एंड देन आप देखें कि हम लीफिंग का भी इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्स्चर नज़र आए अलग किस्म का कोशिश करते हैं कमर्शल आर्ट ना करें थोड़ा सा ऐसी चीज़ नहीं कि लोग एक दफ़ा खरीदें तो उसको इन्जॉय भी कर सकें माशाल्लाह बिल्कुल ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल कैलीग्राफिक आर्ट और बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो आपकी ब्रश की जो आपकी स्ट्रोक्स वगैरह हैं ये तो आप खैर बेहतर जानती हैं जी, थैंक यू हम ट्राइंग uh, कि हम टिपिकल uh, कल्चर uh, पाकिस्तान का भी आगे ला सकें और डिफरेंट टाइप ऑफ काम आगे लेके आ सकें ठीक जी तो ये देख रहे हैं हमारी बैग पे हमारे कैमरा मैन दिखा रहे हैं ये भी बड़ी अच्छी पेंटिंग लग रही है खैर जो uh, आर्टिस्ट होता है मसविर होता है उसका तो हर जो शाहकार है उसके लिए बिल्कुल एक एग्जैक्ट जो है वो अलग से एक फिगर रखता है भी 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 तो ये तो अलग तो वैसे बाई चांस बहुत ही ज़बरदस्त बन गया एंड आई हैव नॉट बीन सेलिंग इट मैंने अपने लिए रख लिया है और कॉन्सेप्ट भी हर मैन शरीफ एन का था आप देख सकते हैं पीछे ब्लैक खाना काबा काँग। को रिप्रेजेंट कर रहा है आगे रसूल के रोज़े को रिप्रेजेंट कर रहा है उन्हीं का नाम महम्मद सल वसलम का रिपीट पे तस्बी की तरह लिखा गया है और ये हमने लीफिंग की है क्योंकि वो रहमत आलमीन है इसी तरह हमारे बहुत से कराची के क्लाइंट्स होते हैं तो हम एक सीरीज़ कर रहे हैं मोमिन के नाम से और एल एथ के ऊपर कर रहे हैं तो वो बड़ा मज़ा आता है बनाने का भी मैं रिसेंटली आपको अंदर से दिखाती हूँ कि मैंने ख़त्म कि विरदे अली तो ऐसे मुझे काम करने का जिसमें आर्ट भी हो मज़हब भी हो टेक्स्टर्स भी हो ज़्यादा मैं इन्जॉय करती हूँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी तो अभी हम आर्ट रूम के उस हिस्से में हैं जो इनसे मज़द जानेंगे कि इस हिस्से के बारे में आप बताइए जी ये हमारी वर्किंग स्पेस है मैं या मेरी एक टीम है जैसे आप देख रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं राही साहब और भी आर्टिस्ट जो हमारे कैलीग्राफर्स आते हैं या कोई अगर यू नो इंटर्न्स आए बच्चे या वॉट एवर सो वी ऑल वर्क या मेरे उस्ताद भी अगर आते हैं तो हम इकट्ठे इधर ये हमारी वर्किंग स्पेस होगी यहाँ ज़्यादा आपका यहाँ पे आर्ट गैलरी में यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपका यहाँ गुजरता होगा जी ज़्यादा टाइम भी यहीं गुजरता है ऑर्डर्स भी यहीं बनते हैं और ये बस ज़्यादातर हमारा ये पसंदीदा एरिया है अच्छा दूसरा ये कि मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था कि आपने जो एक बड़ा ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव लिया है कि जो नए जो लोग स्टार्ट करते हैं इस पेशन को तो उनको अक्सर ये देखा जाता है कि मार्केट में जैसे उनकी कोई काम है उसको इतना अप्रीशिएट नहीं किया जाता उनको कोई प्लेस नहीं मिलती आपने ये फ़्री ऑफ कॉस्ट इतना ज़बरदस्त एक जो है वो प्लेटफॉर्म उनके लिए मुहैया किया है कि वो यहाँ के अपना जो है वो पेंटिंग्स वगैरह और कैनवस uh, पे वो भी कर सकते हैं फिर वो uh, जो आपकी एग्जीबिशन होती है उसमें भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जी मैंने ये कहा है कि ऑल दोज आर्टिस्ट जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा आई हैव यू नो अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे पास अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं इसको मैक्सिमाइज यूटिलाइज़ करूँ एंड हर तरह के आर्टिस्ट इट्स नॉट नेसेसरी के पेंटर ही हो हर तरह के आर्टिस्ट को वेलकम है जो अफोर्ड नहीं कर सकते जिनको जगह नहीं मिल सकती और उनका काम जेन्युइनली बहुत अच्छा है तो उनको ये मैंने ऑफ़र दी है कि वो प्लेटफॉर्म को मैक्सिमाइज़ यूटिलाइज़ करें और इन फ्यूचर कोई आपका ऐसे भी प्लान है कि जैसे यहाँ पे कोई वर्कशॉप वगैरह जो नए सीखने वाले हैं कोई उनको आप गाइडलाइंस जैसे आपके वो माशाल्लाह आपके उस्ताद भी हैं कोई क्लासेस वगैरह नए जो बच्चे बची हैं उनके लिए जैसे हमारे प्लेटफॉर्म से ये देख रहे हैं लोग उनके लिए क्या आप समझती हैं जी अब मुझे बहुत से लोग कहते हैं और मैंने सोचा भी था कि यू नो बिकॉज ऑफ़ द कोविड सिचुएशन हम आ, हमने ज़रा आगे कर दिए पहले मैंने एक छोटा सा समर कैंप कर रही थी इधर स्टूडेंट्स के लिए जो आके सीख सकें बट बिकॉज यू नो अभी भी हम जूम पे या वर्चुअल सोच रहे हैं बट शायद एक थोड़ा सा हम प्लेटफॉर्म रखें जिन्होंने आके सीखना चाहे काम या वर्कशॉप तो बहुत ही अच्छी बात है उसमें से एक्चुअली हम ज़्यादा सीख जाते हैं वर्कशॉप जब कराते हैं और मैंने कराई भी हैं कुछ एंड आई एम ओपन फॉर ऑल द वर्कशॉप्स और ये कि जैसे एक मसवर होता है एक आर्टिस्ट होता है ये तो जो हमारे माशरे की जो चीज़ें हैं उनको बड़ी एक आम पर्सन की नस्बत बड़ी अच्छी तरह ऑब्जर्व करता है तो आपने माशाल्लाह मैंने देखा आपने वो ये जो आप गई वहाँ पे करतारपुर भी गई आपने बड़ा अच्छा वहाँ पे एक मैसेज भी दिया काम भी किया जी आई थिंक बहुत आ, आ, सारे आर्टिस्ट के बिहाफ मैं बोलती हूँ कि बड़े सेंसिटिव होते हैं और बहुत गहराई से चीज़ों को फील करते हैं पैशनेट होते हैं और आ, आ, हसास होते हैं बहुत तो मेरे ख्याल में हमने जब गुरुद्वारे साहब भी हम गए वी वेंट टू करतारपुर साहिब एंड ननकाना साहब और हम सिख कम्यूनिटी के लिए लेके गए थे और हमने उनको साथ ही वैसे काम हमने गुरुद्वारा साहिब को डोनेट किया था बिकॉज हमें यह था कि हम सारे रिलीजन को एज इस्लाम ये दिखा रहे थे कि हाउ मच वी लव एंड सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ जी तो और उसके अलावा ये कि पेंटिंग्स भी जो हैं ये आप ये एज सच कोई माइंड में या इस तरीके से कोई सोच आप बनाती हैं या बस जस्ट अपना मूड में होती हैं और ब्रश उठा लेती हैं और स्टार्ट कर देती हैं जी आई थिंक आप बॉर्न होते हो इस चीज़ से आप ओबियसली फिर मैंने बहुत पढ़ा भी सीखा भी प्राइवेट ट्यूशन्स भी ली अभी तक मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं सीख सीख सीखा नहीं। मैं सीख रही हूँ लेकिन अगर मैं पर्सनली इंजॉय करती हूँ बहुत ज़्यादा काम तो आई लव टेक्स्चर्स एंड आई लव मॉडर्न कैलीग्राफी और जिस तरह के आपके पीछे लगा हुआ ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ तो इस तरह के काम को पाकिस्तान में रिकग्नाइजेशन बहुत कम मिलती है टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगों को इस तरह के काम की समझ नहीं आती हमारे यू नो माशरे में कम एक्सेप्टेंस है लेकिन लोगों को अवेयरनेस मिल रही है हर तरह का काम जो है वो आर्ट हो सकता है जो आपके दिल से निकलता है वो दिल तक जरूर पहुंचता है exactly. जी तो आप ये देख रहे थे कि बड़ा ही जबरदस्त यहाँ सेलेक्टिव काम है और ये बढ़ के जो नए आने वाले जो हमारे जो फ़न मसवरी से ताल्लुक रखते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह गाइड भी करती हैं नेक्स्ट इनका प्लान बन रहा है क्योंकि आफ्टर कोविड अभी तो थोड़ा सा पेंडेमिक से हम निकले हैं तो ये इन श्रा हालात बेहतर हो जाते हैं तो कोई क्लासेस भी ये स्टार्ट करेंगी उसके अलावा यहाँ पे आके आप yeah, अपना काम भी वेरी नाइस स्मॉल एग्जीबिशन आल्सो जिसमें मेरा भी एंड लाइक माई आई सैड मेरे टीचर्स का भी काम है mm -hmm. तो हमने ईद की कोविड की वजह से स्टॉप किया था पर आफ्टर ईद आई थिंक नेक्स्ट वीक हम ईद के बाद जी तो ये इंशाल्लाह बल्कि ये इस लिंक में हम इनका जो नेक्स्ट एग्जीबिशन वगैरह होगी इनसे इन टच रहेंगे और इनका पेज भी है वो भी उसका भी लिंक यहाँ पे दे देंगे वो बाकायदा आप देख सकते हैं क्योंकि ये तो बड़ा ही एक जो है ये ज़बरदस्त काम है और इंसान के ये क्रिएटिव एक, एक माइंड का है ना तो आप इंशाल्लाह शाला तला यहाँ पर विज़िट कीजिए इनका एड्रेस भी यहाँ पे दे देंगे नेक्स्ट स्टोरी किसी नेक्स्ट टॉपिक से अपने होस्ट अली अब्बास शरीर को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़